भक्ति और शांति का प्रतीक है माता जानकी, वो भी गौरी के मंदिर में वंदन करती है, प्रणाम करती है। बेटियां मुझे सुन पा रही हो तो ध्यान से सुनिएगा, जय जय गिरवर राज किशोरी। हे गिरिराज की बेटी तुम्हारी जय। उन्होंने कहा गिरिराज की बेटी जय हो, ये कहकर के वो कहना चाहती है, माँ तुम्हारे आने से तुम्हारे पिता का नाम बढ़ गया है, मेरे आने से मेरे भी पिता का नाम बढ़े, इसलिए हे गिरिराज की बेटी तुम्हारी जय हो। फिर वो कहती है जय महेश मुख चंद चकोर, जैसे तुम महादेव की चंद चकोरी हो, हे माँ मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, मैं भी राम जी की चंद चकोरी बन जाऊं। धरती पर वो नारी बड़ी बड़भागनी है जिन्हें अपने पति का स्नेह प्रेम मिलता, ये भगवत कृपा के ही परिणाम है। हर पिता अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे घर में देना चाहता है, अच्छा सा अच्छा बर खोजता है, मिल नहीं पाता, इसमें अपना प्रारब्ध चलता है। इसलिए आज पढ़े लिखे जमाने में बेटियां जितनी योग्य ऑफिस दफ्तर चलाने में है, उतनी ही योग्य उनको घर चलाने में होना चाहिए। अध्यात्म और धार्मिक होना, सामाजिक होना नारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भले उसके घर में 25 नौकर लगे हुए, याद रखना मंदिर कितना भी अद्भुत हो, यदि उसका पुजारी ठीक नहीं है तो मंदिर दो पैसे का नहीं है। मंदिर की प्रतिमा में दमक चमक पुजारी से होती है। यदि प्राण प्रतिष्ठित मंदिर की पूजा ठीक ठाक से नहीं होती तो प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के और उसको जो चलाने वाले लोग हैं सब को तबाह कर देता है, ऐसा ब्रह्म पुराण में वर्णन है। इसलिए प्राचीन काल में मंदिर वहीं बनवाए जाते थे गुरुजनों के आश्रमों में, जहां मंदिरों की देखरेख की जाती। पुजारी खड़िया पलटन होगा है? मंदिर खुलने का समय भोर में किरण बाहर निकले उससे पहले मंदिर का कपाट खुल जाना चाहिए। पुजारी 8 बजे जगेगा, 9 बजे कुल्ला करके मंदिर में पहुंच जाएगा तो मंदिर की क्या स्थिति होगी। मंदिर में भगवान की वस्त्रों में अग्नि का दान होता है, अग्नि दहक जाती है, कपड़े जल जाते हैं, प्रतिमा चटक जाती है, समझ लीजिएगा पूजा में कहीं गड़बड़ी हो रही है। जैसे मंदिर में पुजारी का सजग होना जरूरी है, उसी प्रकार से घर में नारी का सजग जागृत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको गृहिणी कहा गया।